आइए बात करते हैं स्पेशल एस्ट्रो टिप। मैंने आपको इतनी सारी दालों की बात बताई, एक और दाल की बात बताना चाहती हूँ। आपके घर में मूंग साबत की दाल ज़रूर होगी, हरी वाली। अगर आपको लगता है कि किसी भी इंसान की मेमोरी वीक हो रही है, माइंड कमज़ोर है, ये दाल पहले आप आधा किलो ले लें और थोड़ी सी दाल गणेश जी के चरणों में बुधवार को रखें, घर में जो गणेश जी हैं उनके चरणों में। फिर उनके चरणों में रात दोपहर भर ये दाल रहे, मतलब आपने जैसे वेंसडे मॉर्निंग रख दी, दोपहर तक ये दाल रहे, शाम को उनके चरणों से दाल उठाकर ये दाल बनाकर, पर बिना लहसुन के और बिना प्याज के, जीरे के तड़के में दाल बनाकर आप खाइए। ऐसा करने पर आपका बुध मजबूत होता है। आप इस दाल को भिगोकर और हल्का सा या उबालकर इसको सौते कर भी खा सकते हैं, इससे बुध मजबूत होता है और आपकी ज़िंदगी में आपकी मेमोरी, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी माइंड, आपकी इंटेलिजेंस, हर चीज़ स्ट्रांग होती है। दाल के उपाय बताऊं और टेस्टी दाल बनाना ना बताई जाए, ऐसा क्या कभी हो सकता है? ये तो नाइंसाफी होगी। तो चलिए मास्टर शेफ की क्लास में चलते हैं और ऐसी दाल बनाना सीखते हैं जो शायद ही आपने पहले कभी बनाई हो या खाई हो। पंजाबी दाल तड़का बनाने के लिए देसी घी का मेन तड़का लगना जरूरी है उसमें, जो कि मैं इसमें एक चम्मच इसमें डालता हूँ देसी घी। उसके बाद हम इसमें जीरे का तड़का लगाएंगे और इसमें बारीक कटी हुई ही हरी मिर्च डालनी है। उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालना है, अच्छे से उसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अब इसमें हमने बारीक कटा हुआ टमाटर डालना है, उसको भी ढंग से भून लेना है। थोड़ी सी उसमें हींग डालेंगे ताकि उसका टेस्ट और निखर जाएगा। बारीक कटा हुआ लहसुन, उसके बाद हमें थोड़ा इसमें पानी डालना है और जब उसके बाद हम थोड़े से मसाले डालेंगे। इसमें हल्दी डालनी है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, उसमें थोड़ा जीरा पाउडर और बारीक लाल मिर्ची डाल के इसको अच्छे से पका लेना है। इसको बनते वक्त हम इसमें स्लिट की हुई ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, तड़के में और ही स्वाद आ जाएगा इससे। बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें उबली हुई दाल डालेंगे। ऑलरेडी मैंने इसमें हल्दी डाली हुई है उसका कलर और उसका स्वाद और उभर के आने के लिए। उसमें हल्का सा नमक भी डालना है। इसमें बारीक कटा हुआ हम धनिया डाल सकते हैं, धनिया से ही अलग टेस्ट आ जाता है। और आखिरी में उसमें आपके टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड करना है। ध्यान रखना कि मैंने नमक ऑलरेडी और उबली हुई दाल में भी डाला हुआ है। दाल की कंसिस्टेंसी चेक करनी है, ऐसा नहीं कि दाल बिल्कुल पतली ही बनानी है। थोड़ा पतला अगर चाहिए तो उसमें हम पानी मिला सकते हैं और उसको उबलने दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दाल पूरी अच्छी तरह से उबल गई है और इसका पानी की कंसिस्टेंसी पूरा सेट हो गया है और लगभग ये हम इसको प्लेटिंग करने के लिए तैयार हैं। और दाल में पंजाबी दाल तड़का में मिर्ची ना हो तो टेस्ट अधूरा है। और उसके साथ हम इसको गार्निश करेंगे चॉप बारीक कटा हुआ धनिया के साथ, उसमें जूलियन कटा हुआ अदरक है और 4-5 बूंदे रोगन की डालनी है ऊपर से, ताकि और प्लेटिंग अच्छी गार्निश हो जाए। गार्निश करेंगे, तरह ये दाल तड़का तैयार।